इससे पहले मैंने पार्ट फाइव तक के सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं अगर आपने उन सारे वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा काफ़ी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको और चलिए आज सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो बिना समय गंवाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस विथ अ लेबल डायग्राम तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ न्यू इंडिविजुअल कैन बी डिटर्माइन जैसे कि कभी भी कोई न्यूबॉर्न इंडिविजुअल जो है उसका जन्म होता है तो सेक्स हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं ठीक है तो ह्यूमन बींग्स के पास दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं एक होता है एक्स और एक होता है वाई एक्स एक्स का जो क्रोमोजोम है यानी कि अपेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम जो है वो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है और एक्स और वाई अनपेयड जो क्रोमोजोम है वो मेल के पाए पास पाया जाता है ठीक है तो ये डायग्राम आप बनाओगी ये एक्स क्रोमोजोम है और ये एक्स क्रोमोजोम है ये एक्स क्रोमोजोम अगर वाई के साथ आएगा तो एक्स वाई होगा यानी कि मेल बॉय चाइल्ड होगा और ये एक्स क्रोमोजोम मदर का यहाँ पे आएगा और फादर का भी अगर एक्स क्रोमोजोम आता है तो बेबी गर्ल हो जाएगी तो इस तरीके से कभी भी जो फीमेल होती हैं जो मदर्स होती हैं उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता है कि तुम्हें बेटी हुई है ठीक है अब तो ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी बहुत जगह होता है कि हुई है तो मदर को लोग ताना वाना देना स्टार्ट कर देते हैं बट देखिए एक्स का क्रोमोजोम मदर का और ये जो वाई क्रोमोजोम है फादर का तो मेल बॉय चाइल्ड हुआ एक्स क्रोमोजोम मदर का फादर का एक्स क्रोमोजोम तो ये फीमेल चाइल्ड होगी यानी कि बेबी गर्ल होगी ठीक है तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग जरूर से बनाओगे अपने एग्जामिनेशन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की डिफ्रेंशिएट होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन तो कभी भी हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे मैंने आप लोगों को बार बार बताया है एक साइड में हम पहले टॉपिक को लिखेंगे और दूसरे साइड में हम नेक्स्ट टॉपिक को लिखेंगे सो होमोलोगस ऑर्गन हो वो होते हैं दे हैव सेम स्ट्रक्चरल डिजाइन वेर एज एनालॉगस ऑर्गन दे हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन पॉइंट नंबर टू ऑफ होमोलोगस ऑर्गन दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एनालॉगस ऑर्गन दे परफॉर्म सेम फंक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा होमोलोगस ऑर्गन में दे अपीयंस देयर अपीरियंस आर डिफरेंट एनालॉगस ऑर्गन में दे हैव सिमिलर अपीरियंस नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट

नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी के साथ जय हिंद वंदे मातरम